नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्बिटोन सिरप के बारे में। इस सिरप को मेडले फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसकी एक्सपायरी डेट लगभग 2 साल तक की होती है। यह सिरप एक आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और मल्टी मिनरल्स की सिरप है। आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल खून की कमी यानी एनीमिया, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने और इसके इलाज के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको आर्बिटोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे। आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह कैसे काम करती है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, आर्बिटोन सिरप के लाभ, उपयोग करने के तरीके, खुराक और साइड इफेक्ट, नुकसान, इन सभी के बारे में बताएंगे हम इस वीडियो में। आर्बिटोन सिरप का उपयोग और फायदे। आर्बिटोन सिरप का उपयोग मुख्य रूप से खून की कमी यानी एनीमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। आर्बिटोन सिरप का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि उन्हें मल्टीविटामिन और आयरन, फोलिक एसिड की पूर्ति करता है। इस सिरप का उपयोग करने की सलाह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दी जाती है एवं महिलाओं के लिए सिरप बहुत फायदेमंद होती है। जिन महिलाओं में आयरन की कमी है एवं उनकी पूर्ति के लिए आर्बिटोन सिरप की सलाह दी जाती है। आर्बिटोन सिरप का उपयोग विटामिन B12 की कमी के लिए उपयोग में लिया जाता है। जिन महिलाओं को फोलिक एसिड की कमी से हुई एनीमिया रोग को ठीक करने के लिए आर्बिटोन सिरप की सलाह दी जाती है। खून में लाल रक्त कणिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। आर्बिटोन सिरप का उपयोग भोजन के करीब अवशोषित को ठीक करने के लिए किया जाता है। आर्बिटोन सिरप पौष्टिक मूल में सहायक होता है। आर्बिटोन सिरप में इस्तेमाल होने वाली सामग्री फेरस ग्लूकोनेट, विटामिन B12, कैल्शियम लैक्टेट, फोलिक एसिड, विटामिन B9, ये सभी ड्रग इस सिरप में मिलाए गए हैं। आर्बिटोन सिरप को उपयोग करने की विधि। आर्बिटोन सिरप का उपयोग वैसे तो डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, क्योंकि अलग आयु और शरीर के हिसाब से इसका सेवन करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसका एक आदमी को लगभग 10 ml दिन में 2 बार इस सिरप का सेवन करना चाहिए। आर्बिटोन सिरप बच्चों के लिए अलग से आता है एवं बच्चों के लिए बच्चों वाला आर्बिटोन सिरप का उपयोग करें। जिन लोगों को आयरन की कमी है उन्हें आर्बिटोन सिरप का सेवन खाना खाने के 1 घंटे पहले करना चाहिए, जिससे आयरन अच्छे से अवशोषित किया जा सके। जब आप इसका सेवन करें तो इसकी बोतल को आप अच्छे से हिला लें। अगर आप यह दवाई बिना किसी डॉक्टर की सलाह से या बिना किसी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन से ले रहे हैं तो आप इसका उपयोग करके अंदर निकलने वाली सीट पर पढ़कर कर लीजिए। आर्बिटोन सिरप के साइड इफेक्ट। आर्बिटोन सिरप इस्तेमाल से सामान्यतः मैतली हो सकती है। आर्बिटोन सिरप के इस्तेमाल से मल में कालापन हो सकता है, अपच हो सकती है, मुंह में कड़वापन, चिंता, त्वचा में खुजली। अगर इस तरह के आपको साइड इफेक्ट नज़र आते हैं तो इस सिरप का उपयोग ना करें। वैसे तो ये साइड इफेक्ट सामान्य होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, पर अगर ज़्यादा होती है और देर तक ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। आर्बिटोन सिरप के इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां याद रखें। आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा बताई गई मात्रा से सेवन ज़्यादा ना करें। आर्बिटोन सिरप का उपयोग एक निश्चित समय पर करें। आर्बिटोन सिरप का उपयोग शराब पीते समय ना करें। आर्बिटोन सिरप दिन में 2 से अधिक बार ना लें। अगर आप आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धूप प्रवाह ना करें। आर्बिटोन सिरप का उपयोग दस्त, जिगर की बीमारी एवं किसी गंभीर बीमारी से होते हुए ना करें। आर्बिटोन सिरप की कीमत 199 रुपये, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। और अधिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।